हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया बिल्कुल बैकग्राउंड रिलीज करने वाली वीडियो, जो बिल्कुल अच्छा और आसान तरीका है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, जिसे मतलब हर कोई कर सकता है। जैसे तो बिल्कुल इजी ट्रिक लेकर आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, मैं एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें आपको पहले बैकग्राउंड रिलीज करके दिखा रहा हूँ, एंड फिर पिकार्ड से कैसे एडिट होती है वो दिखाऊँगा, एंड लाइट रूम से कैसे एडिट होती है वो दिखाऊँगा। तो दोस्तों, मतलब बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि ये वीडियो मतलब आगे वाले आने वाले दिनों में आ जाएगी, मतलब कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, मतलब दो दिन में डाल दूंगा ये दोनों वीडियो भी। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पहले बैकग्राउंड इरेज कैसे करें, फिर पिकार्ड से कैसे एडिट करें, और लाइट रूम से कैसे एडिट करें, तो आपको ये पता लग जाएगा। तो आप भी सिंपल एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बिल्कुल ईजी ट्रिक है, और जिसने भी तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ऐप खोल लेंगे। ठीक है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नीचे हम जाएंगे, कोई भी फ़ोटो ले लेंगे हम, तो ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये थोड़ी सही लग रही है मुझे, तो यहाँ से डन करते हैं। एक मिनट, क्रॉप भी कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन है ऑटो का, तो ऑटो में तो आप मतलब ये इसलिए होता है, जैसे मतलब एक बैकग्राउंड हो, मतलब जैसे पीछे वाइट बैकग्राउंड है, तो आपका आसानी से इरेज हो सकता है एक कलर में। एक कलर में बैकग्राउंड हो जैसे, तो आपका आसानी से इरेज हो सकता है इससे। ठीक है, वैसे आप इससे कर सकते हो, तो आपको मतलब जूम करना पड़ेगा इसमें, काफ़ी अच्छा जूम हो जाता है, पिकार्ड से तो अच्छा हो ही जाता है जूम। तो कुछ इस तरह से इरेज कर लेंगे पहले हम आउटसाइड का। ठीक है, जब आपको बिल्कुल अपने मतलब मॉडल का कटआउट करना होगा, जब बिल्कुल नज़दीक ले जाके कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए मैजिक पे है। ठीक है, मैजिक से कर रहे हैं, तो नीचे तो यहाँ पे गए, इसको इरेज कर लेंगे हम। तो इसमें थोड़ा आप समय दे देना इसको, मतलब थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा ऐसा है, मतलब आप इरेज करोगे ना तो मतलब आराम से करना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। ये तो मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट कर दी है, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो पाए इसलिए। ठीक है, तो देखिए मैं वीडियो फास्ट कर दी थोड़ी, आपको कुछ इस तरह से ही रेज कर लेना है। ठीक है, तो मतलब जितना आप जूम करके ऐसे इसको ब्रश को फेरोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि दूर से फेरोगे तो आपके फिर मॉडल पे आ जाएगा, फिर आपको रेज करना पड़ेगा दोबारा वहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं, ये हो गया है, हो गया है, मतलब ऐसे ही कर लेंगे हम जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो गया है। तो जो अंदर का मतलब हाथ के पास का हिस्सा है, वो तो बिल्कुल मतलब आपको आराम से ही करना है, क्योंकि यहीं पे जब सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो यहाँ पे ये भी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इरेज हो चुका है, देखिए एक मिनट रुकिए। हाँ, तो यहाँ पे जो रह रहा होगा वो हम इससे ब्लू जो ब्रश है इससे हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे से हो गया मैजिक से गलती से, तो आप इससे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, और मैजिक से फिर इसको दोबारा गायब कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लू वाले से रिकवर कर सकते हैं। और जो मैनुअल है, वो आपका जो हल्का सा बैकग्राउंड रह जाता है वो इरेज करने के लिए, जैसे कोनों पे रह गया कहीं पे, बिल्कुल पतला ब्रश चापे मैजिक ब्रश नहीं चल सकता, उस जगह के लिए है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया है, ऐसे करेंगे। देखिए अब इसमें जो पास तक गिनती आ रही है वो है इसकी स्मूथनेस। तो इसकी स्मूथनेस अगर आपकी फ़ोटो की क्वालिटी मतलब अच्छी नहीं है इतनी, तो आप इसकी स्मूथनेस 2 या 3 रखना। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली आपकी फ़ोटो बिल्कुल सही है तो 1 रखना, बिल्कुल सही है। मैंने 2 रखी है, क्योंकि इस फ़ोटो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मैंने 2 रख लिया। तो आपको मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ गैलरी में जाके, बैकग्राउंड इरेज हो चुका है जिसका। देखिए ये देखिए, देखिए इसका बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करता हूँ, आपको अगली वीडियो में।